हे गाइस व्हाट्सअप, मेरा नाम है सुमित और आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी के बारे में, राइट? सो साल है 2017, जिस टाइम से हम इस वर्ड को बहुत फ्रीक्वेंटली सुनने में मिल रहे हैं हम लोगों को, राइट? नाउ हम में से कुछ लोगों को तो पता भी है कि इसका शायद मतलब है ये गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स, राइट? लेकिन हम में से बहुत कोई को ये चीज नहीं पता है कि इसका असली मतलब क्या है एंड हमारे लिए इसको जानना जरूरी क्यों है, राइट? सो अगर हम इसके बारे में आपको अभी पूरा समझाने जाए अगर अभी इसके बारे में पूरा आपको समझाने जाए तो शायद आपके भेज में कुछ घुसने वाला है नहीं। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सो कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे। मान लीजिए दिस इज अ पर्सन कॉल्ड चुन्नीलाल, राइट? अब इनका एक दुकान है, ये इन दुकान को चलाते हैं और यहां से जो भी इनकम होता है उस इनकम से ये अपना घर चलाते हैं। अब दुकान चलाते हैं तो किसी महीने इनका इनकम हो सकता है 40K हो, किसी महीने हो सकता है इनका इनकम 20K हो, या फिर किसी महीने हो सकता है वो 10K लॉस में चले जाए, हो सकता है, राइट? सो जनरली जिस महीने उनका 40K इनकम होता है उस महीने तो उनको घर चलाने के लिए कोई प्रॉब्लम हो नहीं रहा। जिस महीने उनको 20K इनकम होता है उस महीने शायद उनको थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना करना पड़े लेकिन वो चला लेते हैं। बट जिस महीने उनको 10K का लॉस होता है उस महीने या तो उनको किसी से उधार लेना पड़ता है या तो अपने खर्चे को कंट्रोल करके प्रीवियस सेविंग से अपने घर को चलाना पड़ता है। नाउ द थिंग इज दैट फिर से कभी अगर उनका इनकम 20K या फिर 30K किसी महीने में हो तो उस इनकम से वो फिर से अपना घर चलाते हैं और बाकी का पैसा इस महीने में जो लोन लिया है उस लोन को चुकता करने में लगाते हैं। नाउ द थिंग इज दैट हमारे इंडियन गवर्नमेंट भी हमारे देश को चलाने के लिए कुछ ऐसे ही काम करते हैं। बट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन चुन्नीलाल एंड आवर गवर्नमेंट इज दैट कि हमारे गवर्नमेंट के पास ये जो फ्लो ऑफ इनकम है वो हमारे गवर्नमेंट के हाथ में होता है। वो कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके ये डिसाइड करता है कि ये कैश इनफ्लो गवर्नमेंट कितना करेगा, कैसे करेगा और कब करेगा, राइट और नॉट? बट द थिंग इज दैट गवर्नमेंट को भी देश चलाने के लिए कुछ रेवेन्यू का जरूरत पड़ता है एंड उसको भी देश चलाने के लिए कुछ एक्सपेंसेस बियर करना पड़ता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ब्रिज बनाना पड़ा हमारे देश में ब्रिज बनाना पड़ा या फिर सैलरी स्टाफ को सैलरी देना पड़ा एक्सेट्रा। सो कुछ एक्सपेंसेस गवर्नमेंट को भी करना पड़ता है जिसके लिए गवर्नमेंट के पास कुछ रेवेन्यूज के सोर्सेस हैं जिन रेवेन्यू से वो एक्सपेंसेस को बियर करते हैं। द थिंग इज दैट गवर्नमेंट को आखिर ये रेवेन्यू मिलता कहाँ से है? जनरली गवर्नमेंट को रेवेन्यू दो तरीके से मिल सकता है। पहला टैक्स रेवेन्यू एंड दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू, राइट? सो आज हम नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, आज फिलहाल हम टैक्स रेवेन्यू के बारे में चर्चा करते हैं। ओके, नाउ टैक्स रेवेन्यू भी दो टाइप का हो सकता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? सो मान लीजिए अगेन चुन्नीलाल, राइट? ये साल में 6 लाख रुपीज कमाता है, ओके? एंड इस 6 लाख में अराउंड 10% उसको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। गवर्नमेंट बोलता है कि मेरे को देश चलाना है तो मेरे को इतना अमाउंट मेरे को आप दो, 10% यानी कि 60K, राइट? दिस 60K इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स और इनकम टैक्स, क्लियर? इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? सो हम कभी कभी कुछ चीजें जब खरीदने जाते हैं या फिर कोई सर्विस हम परचेस करने जा रहे हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हम कपड़ा खरीदने गए या फिर हम किसी मूवी
कोई मूवी देखने गए, कोई टिकट परचेस किए, तो हमको जो प्राइस रहता है उस कपड़े का या फिर उस टिकट का, उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट बियर करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, आप लोग देखे होंगे कि कभी आप अगर मूवी देखने गए हो जिसका प्राइस, टिकट का प्राइस है 500 रुपीज, राइट, एंड आपको पेमेंट करना पड़ रहा है उसके लिए 540 रुपीज, शायद आप देखे ही होंगे कभी कभी, राइट। ये जो 40 रुपीज एक्स्ट्रा आपको पेमेंट करना पड़ रहा है, दिस इज नथिंग बट इनडायरेक्ट टैक्स, और यू कैन से इट एज जीएसटी, राइट और नॉट। नो द थिंग इज दैट डायरेक्ट टैक्स के बारे में अभी फिलहाल हम बात नहीं करने वाले हैं, अगर कोई चीज के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में तो वो है जीएसटी, ठीक है। नाउ आखिर ये जीएसटी होता क्या, ठीक है। जनरली हम कोई भी चीज परचेस करते हैं, कोई भी गुड्स एंड सर्विस परचेस करते हैं, उसके ऊपर हमको जितने अमाउंट का गुड्स एंड सर्विस हम परचेस करते हैं उसके ऊपर हमको कुछ अमाउंट गवर्नमेंट के लिए रखना पड़ता है, जो कि हम एक्स्ट्रा जिससे परचेस कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज उनको पेमेंट करना पड़ता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमको 500 रुपीज का टिकट परचेस करना था एंड उसके लिए हमको 540 रुपीज पेमेंट करना पड़ा। ये जो एक्स्ट्रा 40 रुपीज है, दिस इज नथिंग बट जीएसटी। नाउ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज दैट कि इनडायरेक्ट टैक्स में हम इसके बर्डन, टैक्स लाइबिलिटी के बर्डन को किसी और के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो मिस्टर चुन्नीलाल किसी से 100 रुपए का चीज परचेस किए, राइट, एंड उसके लिए उसको पेमेंट करना पड़ा 118। नाउ दिस 118 उसको क्यों करना पेमेंट करना पड़ा, ये जो एक्स्ट्रा 18 रुपीज अमाउंट है, दिस इज नथिंग बट जीएसटी, इसके लिए उसको एक्स्ट्रा अमाउंट पेमेंट करना पड़ा, राइट। अगेन जब वो वही चीज किसी को बेचता है, तब मान लो आप वो ₹200 में उसको बेच रहा है, राइट, उस 200 में उसको बेचने के लिए उसको पेमेंट करना पड़ रहा है फॉर एन एग्जाम्पल 236। जीएसटी में जनरली हम कोई भी गुड्स एंड कोई भी सर्विसेज जब हम परचेस करते हैं तो उसके लिए हमको किसी के ऊपर 5%, किसी के ऊपर 18%, किसी के ऊपर 28% एक्सेट्रा पेमेंट करना पड़ता है। तो इस केस में हम एग्जाम्पल लेते हैं कि इस केस में ये स्लैब है 18% का, राइट। सो चुन्नीलाल जब कोई चीज परचेस किया, उसको परचेस किया 100 रुपए का प्राइस था, उसको परचेस किया 118 में, यानी कि 18% स्लैब में, एंड जब उसी चीज को किसी और को जाके सेल किया तो उसको वो सेल किया 200 रुपीज में, जब उसको पैसा मिला 236। दिस 36 इज नथिंग बट जीएसटी। नाउ द थिंग इज दैट आप एक बात देख सकते हो कि चुन्नीलाल जब परचेस करता है तब उसको 100 की जगह 118 पेमेंट करना पड़ता है, तब उसके पॉकेट से 18 रुपया एक्स्ट्रा चला जा रहा है, राइट। जब वो उसी चीज को सेल कर रहा है तब उसको 200 की जगह 236 रुपया मिल रहा है, यानी कि 36 रुपीज उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है। नाउ द थिंग इज दैट क्वेश्चन ये आता है कि आखिर गवर्नमेंट को उसको कितना पेमेंट करना है, राइट और नॉट। सो गवर्नमेंट को जनरली उसको पेमेंट करना पड़ेगा 36 माइनस 18, जो वो ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है उसको जिससे वो परचेस किया था, राइट। सो 18 इक्वल्स टू 18 रुपीज, इस प्राइस को उसको गवर्नमेंट को पेमेंट करना रहेगा, क्लियर है। नाउ द थिंग इज दैट ये जो सर्कल है ये एक्चुअली किसको करना पड़ता है, बेसिकली अगर आप कोई बिजनेस पर्सन हो तो ही जनरली आपको किसी को, अगर कोई या कोई गुड्स एंड सर्विसेज आप किसी को बेच रहे हो एंड आप कोई बिजनेस पर्सन हो तो ही आपको किसी को जीएसटी काट के उसको पेमेंट उसका पेमेंट रिसीव करना है, राइट। एंड एक और कंडीशन होता है कि अगर आप बिजनेस चला रहे हो एंड आपका बिजनेस का सालाना टर्नओवर अगर 20 लाख से ज्यादा हो, राइट, तो ही आप किसी से जब कोई भी गुड्स एंड सर्विस किसी को सेल करते हो तो उससे आपको जीएसटी काट के लेना पड़ेगा। दिस इज इट, एज सिंपल एज दैट।